तो मैं 8.2 आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया था, राइट? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 8.2 मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। होपफुली होमवर्क क्वेश्चंस भी आपसे बन गए होंगे, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम हमने कर भी लिया था। नाउ अब देखो, वर्ड प्रॉब्लम में बेटा बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाना आपको आनी चाहिए, ठीक है? अब इक्वेशन बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बताते चलूंगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, वापिस से क्लास में मेरे बताने के बाद आपको एक बार फिर से उसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में वर्ड प्रॉब्लम हमसे नहीं होते हैं, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक देखा, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एक जो भी क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊं, आप उसको दोबारा जरूर कॉपी में बना के देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रैशनल नंबर -7/4 टू गेट 3/7। अब यहाँ पर थोड़ा से चीजों को समझो। व्हाट शुड बी एडेड, एडेड का मतलब होता है प्लस, ठीक है? तो व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रैशनल नंबर, तो बेटा थ्राइस का मतलब याद रखना, थ्राइस द रैशनल नंबर यानी थ्राइस यानी थ्री इंटू दिस रैशनल नंबर, टू गेट का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम में इक्वल टू। तो ये ही सारी चीजें टर्मिनोलॉजी हमको मालूम होना चाहिए। एडिट का मतलब तो आपको मालूम है, थ्राइस का मतलब थ्री इंटू और टू गेट का मतलब इक्वल टू। सो व्हाट शुड बी एडेड, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट द, या फिर ऐसा लिख देता हूं मैं, लेट एक्स शुड बी एडेड Let x should be added, ठीक है? To thrice the rational number -7/4 to get 3/7. तो अब देखो बेटा कैसे करोगे, equation कैसे बनाओगे? What should be added? तो let x should be added, यानी कि x plus thrice the rational number this, यानी कि 3 into -7/4, right? Thrice the rational number this, यानी 3 into -7/4 to get का मतलब equal to 3/7। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे बताओ, x अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, 3 7s are 21/4 मस्ट बी इक्वल टू 3/7, अगेन -21/4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/7 प्लस 21/4, अगेन अगर आप 4 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 4 7s are 28, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 3s are 12 प्लस अगेन 7 1s are 7 प्लस 7 2s are 14, राइट? 147 अपॉन 4 7s are 28, ठीक? तो ये आपका हो गया। तो देयरफॉर एक्स आपका क्या आ जाएगा, 12 को ऐड करो, 7 8 9 4 n 1 5, तो 159 अपॉन 28, तो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है? हम आंसर एक बार चेक भी कर लेते हैं। चलो 159/8 हमारा आंसर है, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो 159 अपॉन 28, तो करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट आ रहा है। तो इस टाइप से आप बेटा वर्ड प्रॉब्लम को बनाओगे। वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, तो देखो ये पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो वर्ड प्रॉब्लम को बनाने के लिए सिंपल ट्रिक है कि आप किसकी स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके लिए जो इसकी वर्डिंग्स है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस में, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया, तो यह चीज आप लोग याद रखना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a triangle having a perimeter 36 unit and its sides are 2x, 2x plus 3 and 2x plus 5, find the respective length of the sides of the triangle. Perimeter given है, उसकी sides given है, तो हमको उसकी length पूछ रही है। तो देखो अब ये question और easy हो गया, पहले तो मैं given लिख लेता हूँ, ठीक है? Question number 2 हम solve करें, तो question number 2 में हम पहले given लिख लेते हैं। गिवन हमको पैरामीटर दिया है विच इज इक्वल टू 56 यूनिट, ठीक? अगेन हमको उसके साइड दिया हुआ है, साइड्स
ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला है 2x, नेक्स्ट है 2x प्लस 3 और फिर नेक्स्ट है 2x प्लस 5। तो आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आपको साइड्स ऑफ द ट्रायंगल निकालने हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगेन वेरी सिंपल, हमको मालूम है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो जस्ट सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, पैरामीटर की जगह हमको दिया हुआ है 56 यूनिट, तो 56 मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों साइड्स के ट्रायंगल का सम, विच इज 2x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 56 मस्ट बी इक्वल टू, अगेन ऐड कर दो 2x प्लस 2x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा 6x, अगेन 5 प्लस 3 8, अगेन ये हो जाएगा 56 माइनस 8 मस्ट बी इक्वल टू 6x, अब 56 में से 8 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 48, राइट, 6 माइनस करोगे हो जाएगा 50 और 2 और माइनस करोगे तो 48 मस्ट बी इक्वल टू 6x, तो x इज इक्वल टू 48 बाय 6, अगेन 3 के टेबल से कैंसिल कर लें, मेरे ख्याल से 6 से ही कर लेते हैं, 6 6 36, ठीक है, 6 7 42, नहीं 6 से डायरेक्ट नहीं जा रहा है क्या, 3 से करो, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18, 2 8 6, अरे सॉरी, ठीक है डायरेक्ट कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 8, डायरेक्ट कैंसिल कर लो 6 8 पार्डन, ठीक है, तो x आपका आ गया 8, तो दिस मस्ट बी, अच्छा अगर ये अभी ये आंसर नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल निकालने बोला था, राइट, तो आप लिखोगे देयरफॉर साइड्स आर, सबसे पहली साइड क्या है आपकी 2x, ठीक है, तो उसमें x की वैल्यू पुट करो, x कितना आया हमारा 8, तो 2 8 जा 16, नाउ सेकंड क्या है आपका 2x प्लस 3, अगेन 2 इनटू 8 प्लस 3, that is equal to 16 plus 3, that is 19, ठीक है, तो ये second आ गया, again third क्या आएगा, 2x plus 5, which is equal to 16 plus 5, that is equal to 21, right, तो इस type से आपका answer आ गया 16, 19 और 21, so this must be your answer, so hopefully यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो बेटा इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना और समझ समझ के नोट डाउन करना, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम से भी कॉपी पेस्ट मत करना आप लोग, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, व्हेन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द सेम नंबर वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ 35, तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, तो लेट द नंबर बी x, ठीक है, तो 3 टाइम्स सर्टेन नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स सेम नंबर, तो आप पहले एज्यूम कर लेना लेट द सर्टेन नंबर बी x, तो बोला है कि 3 टाइम्स द सेम नंबर यानी कि 3x इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द सेम नंबर यानी कि 8x, सो वी विल गेट द इज इक्वल टू 35, यानी सबट्रैक्ट 3x फ्रॉम 8x का मतलब होता है 8x माइनस 3x मस्ट बी इक्वल टू 35, तो दिस मस्ट बी योर इक्वेशन, यू जस्ट हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अगेन थर्ड क्वेश्चन बेटा आप लोग बनाओगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, देखो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 9 एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, अब कभी भी याद रखना कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है हम रेशियो को हमेशा x एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्यूशन नंबर फोर्थ में आप एज्यूम करोगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 4x एंड लेट द सेकेंड नंबर बी 7x, तो बोला है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 9 इफ दे आर इन अ रेशियो, तो ये दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 9 और आपको फाइंड द नंबर आपको फाइंड करना है, तो बड़ा ही इजी है, तो देखो आप बोल सकते हो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है,
डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, यानी कि 7x माइनस 4x हमको दिया हुआ है, कितना डिफरेंस दिया, इक्वल टू 9, तो 7x में से 4x को माइनस कर दो क्या बचेगा, 3x is equal to 9, तो x is equal to क्या आ जाएगा 9 by 3, which is 3, 3 is a 9, तो x आ जाएगा आपका 3. Therefore, first number क्या हो जाएगा आपका बताओ, first number हमने कितना लिया था 4x, 4 into 3, तो ये जाएगा 4, 3 is a 12, and therefore second number क्या हो जाएगा, second number is equal to 7x, which is 7 into 3, तो 3, 7 is a 21. तो आंसर आ गया हमारा 12 एंड 21. तो बेटा इस टाइप से एक्चुअल में इसको वर्ड प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना पड़ता है. अब देखो मैक्सिमम जितने भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखोगे, हर वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में अलग है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, लेकिन अगर कुछ होगा दिया तो आप लोग उसको जरूर ट्राई करोगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ क्या बोला है, द सम ऑफ 1/3, 1/4 एंड हाफ ऑफ अ नंबर इज 169, फाइंड द नंबर. अगेन आप लोग एक बार और रीड करो क्वेश्चन, द सम ऑफ 1/3, 1/4 एंड हाफ ऑफ अ नंबर इज 169, फाइंड द नंबर. तो बेटा ये क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लो लेट द नंबर, जो फाइंड करने बोला है आप उसको फाइंड कर, उसको एक्स ले लो, उसके बाद आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखो क्या बोला है, द सम ऑफ 1/3, 1/4 एंड हाफ अ नंबर, 1/3 ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3 ठीक है, 1/3 ऑफ नंबर का मतलब 1/3 ऑफ एक्स, यानी 1/3 ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि हमको सबको सम करने बोला है, प्लस 1/4 ऑफ एक्स प्लस, अगेन 1/4 भी हो गया, प्लस हाफ ऑफ अ नंबर यानी हाफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 169, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर. ठीक है, सम बोला था तो हमको सम करना पड़ा, और हमको नंबर को मैंने लिया है x, तो 1/3, 1/4 एंड हाफ ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 169. चलो बनाएंगे तो क्या आएगा बताओ, अगेन इसको हम लिखेंगे x by 3 plus x by 4 plus x by 2 must be equal to 169. अब देखो 3, 4 और अगर 2 का आप LCM निकालोगे तो मेरे ख्याल से इसका LCM आएगा 12. आप एक बार रफ में निकाल के देखना तो इसका आंसर आएगा 12. अब 3 कितने सा 12 होता है, 3, 4 सा 12, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, LCM 12 आएगा, तो डिनोमिनेटर में हर एक को हम 12 बनाएंगे, 3, 4 सा 12, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अगेन 4 कितने सा 12, 4, 3 सा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अगेन 2 कितने सा 12, 6 सा 12, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 12 प्लस 3x अपॉन 12 प्लस 6x अपॉन 12 मस्ट बी इक्वल टू 169. ठीक है, तो चलो ऐड कर लो 4, 6, 7, 8, 9 ठीक है, या तो 6 plus 4, 10 plus 3, 13, तो ये आ जाएगा 13x अपॉन 12 मस्ट बी इक्वल टू 169. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जैसे ही करोगे आएगा 13x मस्ट बी इक्वल टू 169 इनटू 12, तो x आ जाएगा 169 इनटू 12 बाय 13. हमको मालूम है अच्छे से कि 13 13 सा होता है 169, तो आंसर इज 13 into 12, तो 13 into 12 करो जरा कितना आएगा, तो 13 into 12 अगर आप करते हो तो इसका आंसर आएगा आपका 156, which is your answer. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, आया समझ में, फाइंड द नंबर बोला था यानी x निकालना था, तो x आ गया हमारा 156. अगेन ये आंसर मैं आपका एक बार चेक कर देता हूँ, हमारा आंसर आ रहा है 156, राइट, तो फिफ्थ का आंसर इज 156, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, सो होपफुली यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. तो बेटा इसी से रिलेटेड आज की क्लास के लिए कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ मैं, ठीक है. तो देखो आप लोग सबसे पहले एक मिनट बस, तो हमने अभी मैंने आपको अभी इसमें से थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दिया था, राइट,
तो अगेन सिक्स क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फाइव हमने जैसा बनाया है, तो इसको आप लोग जरूर करना ट्राई, ठीक है। द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव, ये मैं बताऊंगा, एज वाला भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन अगेन इज योर होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो थर्ड दिया था मैंने सब्ट्रैक्ट वाला, राइट। तो थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ क्वेश्चन, तो ये बेटा ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बना के आओगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। होपफुली मेरे को लगता है कि आप आराम से बना लोगे, ठीक है। मैं अभी सिक्स्थ को एक बार, सेवेंथ क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ वो जरूर बना लेना। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो बेटा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को मतलब याद रखना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो नंबर एक के बाद एक आते हैं, जैसे वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर आता है, तो उन नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। वो नंबर जो एक के बाद एक आते हैं उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो देखो इसको बनाने का मेथड बड़ा ही सिंपल है। बोला है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 48, फाइंड द थ्री इंटीजर। तो हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का क्वेश्चन आता है तो आप एज्यूम करोगे कि लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी, सबसे पहला आप एक्स एज्यूम कर लेना, सबसे पहला इंटीजर आप एक्स एज्यूम कर लेना, दूसरा आप कर लेना एक्स प्लस वन, और तीसरा आप कर लेना एक्स प्लस टू। तो जब भी हमको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, हम इसी टाइप का वेरिएबल एज्यूम करते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव वो इंटीजर्स होते हैं जो एक के बाद एक आए, जैसे वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वन वन प्लस वन, अगेन टू प्लस वन, या वन प्लस टू, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो इसलिए हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं हम ऐसे ही वेरिएबल एज्यूम करते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। तो मैंने थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एज्यूम कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, दैट इज एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 48। तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम 48 दिया था, तो आप तीनों को प्लस करो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 3x, अगेन 2 प्लस 1 करोगे ये हो जाएगा 3, मस्ट बी इक्वल टू 48, अगेन 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 3, तो 3x मस्ट बी इक्वल टू 45, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 45 बाय 3, तो अगेन 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, तो x हो जाएगा आपका 15। तो देखो यहाँ x आ गया, और एक बार अगर x आ गया तो हम तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा विच इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 15। सेकेंड नंबर हो जाएगा, अब कॉन्जिक्यूटिव आना चाहिए तो 100% एक के बाद एक आएंगे, जैसे 15 प्लस 1 तो 16। अगेन थर्ड नंबर हो जाएगा 15 प्लस 2 विच इज 17। तो देखो 15, 16, 17, दिस मस्ट बी आवर थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो दैट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो कभी भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वाला क्वेश्चन आता है आपके सामने, एग्जांपल्स में भी होगा, तो एज इट इज अप्रोच लगाओगे, ठीक है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ वो कर लेना, और बिल्कुल ग्रुप में आप लोग टाइम से रिपोर्टिंग करोगे, स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ। जो नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपडेटेड हम लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम लिख के, कि कौन कौन कब कब हमको रिपोर्टिंग कर रहा है और कौन कौन स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो ही लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके फाइनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे। तो आई एम वार्निंग, मैं एक तरीके से बस वार्निंग ही दे सकता हूँ आपको, क्योंकि ये सारा कुछ प्रिंसिपल के ही थ्रू हो रहा है, प्रिंसिपल मैम के ही थ्रू हो रहा है, और एचओडी सर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि फिर फाइनल असेसमेंट के वक्त अगर आप लोग बोलेंगे कि सर मार्क्स क्यों कटा, तो मैं जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट आपका मॉनिटराइजेशन हो रहा है कि कौन बच्चा आपको वर्क इज कम्प्लीटेड भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, तो उस चीज में थोड़ा सा आप पंक्चुअलिटी दिखाना ग्रुप में, ठीक है। तो चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।